हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। जब आपका आईसीआर एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है, आप काउंसलिंग कराते हो, उसके बाद में आपको कोई भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आपको या डीम्ड यूनिवर्सिटी से बीएससी एग्रीकल्चर के लिए आपको कॉलेज अलॉट होता है, तब आपके दिमाग में यही रहता है कि इसमें स्कोप है या नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि मोस्टली इंडिया में होता है क्या है कि मोस्टली मेडिकल फील्ड, एग्रीकल्चर और बायो वाले फील्ड के जो भी स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, वो मेडिकल का एग्ज़ाम देते हैं। जब मेडिकल में नहीं हो पाता है, तब उसको लास्ट ऑप्शन के रूप में एग्रीकल्चर को चुनते हैं। तो ऐसा है क्यों? जबकि आप जानते हो लिविंगहुड के लिए, मतलब अपन की जीने के लिए, जीवन यापन करने के लिए एग्रीकल्चर फील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्या स्कोप है, क्या मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप आगे जाके आप कहाँ आपको जॉब करनी पड़ सकती है, कौन कौन से ऐसे एम्प्लॉयमेंट वाले एरिया हैं जहाँ आपको जॉब मिल सकती है, और आप फर्दर स्टडी के लिए और भी आप क्या कर सकते हो। अगर आप पहली बार इस स्टडी एटिक यूट्यूब चैनल पर विजिट किए हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ICR से रिलेटेड और भी जॉब एंड वैकेंसी रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक स्ट्रेंज करने वाली बात तो ये है, क्योंकि हमको पता है प्राइमरी सोर्स अपना लिविंगहुड के लिए, इंडियंस के लिए एग्रीकल्चर होता है, लेकिन स्टूडेंट इसको एक लास्ट करियर के ऑप्शन के रूप में चूज़ करते हैं। ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होता है। अब हमको एग्रीकल्चर ही क्यों करना चाहिए? सबसे पहले वाई वी चूज़ एग्रीकल्चर, बात ये आती है। अब देखो, हम बात करते हैं बीएससी एग्रीकल्चर एक ब्रॉड कोर्स होता है विद ए ग्रेट पोटेंशियल, और ये बहुत चीज़ों से डील करता है, लाइक हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोडक्शन, एनिमल रियरिंग, रूरल इकोनॉमी, रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल हेल्थ, इतने सारे मतलब ब्रॉड परस्पेक्ट। और इसमें अच्छा खासा 4 ईयर का प्रोग्राम होता है, इसमें बहुत वास्ट सिलेबस, अच्छा खासा पढ़ना होता है, बहुत नॉलेज मिलता है इसको करने के बाद। अब कुछ हम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर के, उसके बाद हम कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट एरिया। सबसे पहले 4 ईयर का ग्रेजुएट प्रोफेशनल कोर्स होता है, इसको आप गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो भी इंडिया में उनसे आप कर सकते हो। अब देखा जा रहा है कि डे बाई डे एग्रीकल्चर फील्ड में, इस डिग्री में स्टूडेंट की मांग बढ़ रही है, इंडिया में भी और एब्रॉड में भी। तीसरा इसका अच्छा पॉइंट ये है कि इस जो कोर्स का जो भी मतलब ड्यूरेशन होता है, उसमें जो भी अमाउंट लगता है, वो और अदर प्रोफेशनल डिग्री के कंपेयर में कम होता है, और इसमें अच्छा खासा पैकेज और गुड जॉब्स, अच्छी जॉब्स मिल जाती है। स्टूडेंट इस कोर्स के अंदर ना एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट साइंस, एनाटॉमी, जेनेटिक्स, एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी, एनिमल, प्लांट बायोकेमिस्ट्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स आदि, इतना बड़ा ब्रॉड एरिया कवर करके पढ़ता है, तो अच्छा खासा उसको नॉलेज हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्या स्कोप होंगे इसके अंदर और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप ग्रेजुएशन करने के बाद में। सबसे पहले तो इस फील्ड में एप्पल अमाउंट ऑफ जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर ADO या ब्लॉक डेवलपमेंट BDO या BDO में भी जॉब ले सकते हैं। जब आप अपना BSc ऑनर्स 4 ईयर का जो प्रोग्राम कंप्लीट करोगे, उसके बाद में आप फर्दर MSc के लिए भी जा सकते हो। आप उससे गवर्नमेंट या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से जो ऑफ़र करती हैं आपको रिसर्च के लिए, जैसे आप JRF करोगे, फिर देन आप आगे PhD कर सकते हो, और आप टीचिंग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब भी कर सकते हो। तो टीचिंग का भी सेक्टर है, इसमें टीचिंग भी कर सकते हो, आप रिसर्च में भी जा सकते हो, और देन PhD करके आप साइंटिस्ट भी बन सकते हो। देन अब कौन कौन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या कौन कौन से एरिया में आपको फ्यूचर में जॉब करना होगा इस कोर्स के बाद, तो उसके बारे में बात करें। सबसे पहले होता है एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, जो एग्रीकल्चर के फील्ड में रिसर्च करते हैं, वो साइंटिस्ट का जॉब कर सकते हो। देन आप एक्सटेंशन ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, प्लांटेशन मैनेजर, ऑफिसर क्वालिटी ऑफ एश्योर रिलेटेड फील्ड्स, मतलब कि लाइक जो भी सॉइल है आपकी, उसकी क्वालिटी को अश्योर करने वाले कि एसिडिक है, बेसिक है, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, क्या क्या रेशो सबको देने वाले, और KVKs में, कृषि विज्ञान केंद्र में भी आपका जॉब, फील्ड ऑफिसर, फार्म मैनेजर,
रिसर्च ऑफिसर एंड एग्रीकल्चर लोन, जो भी बैंकिंग सेक्टर में, जो भी बैंकिंग सेक्टर का जैसे नाबार्ड बैंक आता है इसका भी वैकेंसी निकलता है। तो जो भी बैंक्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड होती है, एग्रीकल्चर से अलाइन जुड़ी हुई होती है, तो उनमें भी आप जॉब कर सकते हो। अगला प्रोडक्शन मैनेजर, इन सब का वैकेंसी निकलता है। एंड एग्री बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, एग्री इंटर्नशिप पेनरशिप, देन ऑपरेशन मैनेजर इन फर्टिलाइजर यूनिट, फूड प्रोसेसिंग यूनिट इन गवर्नमेंट, तो इन सब का सीड टेक्नोलॉजी फिल्म, तो इन सब में आप जॉब ले सकते हैं। ये एरिया है आपको आगे एम्प्लॉयमेंट के बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे बड़ा फ्यूचर है ना एग्रीकल्चर का, वो मार्केटिंग ट्रेंड्स के रूप में, मतलब बिजनेस के रूप में। एग्रीकल्चर सेक्टर बिकमिंग ए मोर मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, शिफ्टिंग फार्म स्ट्रक्चरल चेंजिंग डेमोक्रेटिक फूड प्रोडक्शन सिस्टम। मतलब कि इसमें आपको पता है कि फूड प्रोडक्शन मैनेजमेंट ये सब कुछ हो रहा है, तो अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में स्पेशलाइजेशन करते हैं तो आपको एक ओपन अप ए वर्ल्ड पॉसिबिलिटीज। एजुकेशन फील्ड में आपने इसमें एग्रीकल्चर में अगर आप कर रहे हो स्पेशलाइजेशन, तो आपके पास बहुत स्कोप है। आप स्कोप के आप अपना करियर ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो। जो स्टूडेंट इसमें स्पेशलाइजेशन करते हैं उनको क्या एजुकेशन का फील्ड भी मस्त, एजुकेशन में लाइक आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, देन आपको पता है रिसर्च का तो है, ये सब है इसमें स्कोप। आई होप आप सबको मैंने जो बताया वो सब समझ आया होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपको इससे रिलेटेड और एक काम आपको करना है कि जो मैंने आपको एम्प्लॉयमेंट वाले एरिया बताए हैं इस साइड में, इन सब पे आपको एक एक पे रिसर्च करना अच्छे से, कि आपको सर्च करना है एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट, तो इसमें मतलब क्या क्या करना होगा आपको, तो आपको एक एक फील्ड के बारे में आपको नॉलेज लेना होगा कि किसका एग्ज़ाम होता है, किस क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या मतलब आपको पूरा सबको खुद आप एक बार और अपने अच्छे से एम्प्लॉयमेंट एरिया को देखोगे तो आप और भी स्कोप को देख पाओगे। ये देख पाओगे मतलब मुझे क्या करना चाहिए, कैसे अपना ग्रेजुएशन का ये करना चाहिए, फिर क्या करना होगा आगे, तो इस सबको आप अच्छा मतलब एक ब्रॉड माइंड के रूप में लेके चलोगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड या और कोर्स का आप वीडियो चाहते हो कि इस कोर्स में क्या स्कोप है, फॉरेस्ट्री फिशरीज हॉर्टिकल्चर और भी जो कुछ भी, या किसी भी कॉलेज से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, तो तुम कमेंट करके बता सकते हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।